दोस्तों कंटेंट अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें इसके लिए बेल आइकन दबाने के बाद ऑल पे जरूर क्लिक कर देना। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं विवेक सिंह। दोस्तों टेक्नो एक्सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। माफ कर देना थोड़ी सी आवाज बैठी हुई है, लेकिन मोटो के दो फोन, पहले लगा था एक ही होंगे लेकिन अब पता चला कि दोनों अलग फोन होने वाले हैं। यूरोप में इनकी प्राइस की लीक आ गई है और इंडिया में भी उसके बाद आएंगे। कहा जा रहा है जुलाई में यूरोप में आएगा, उसके बाद पॉसिबली जुलाई एंड या अगस्त तक ये इंडिया में भी आएंगे, जिनकी आप वेट कर रहे हो। मोटो एज 30 फ्यूजन और मोटो एज 30 लाइट, ये दोनों स्मार्टफोन अलग अलग होने वाले। पहले ऐसा लगा था कि दोनों सेम होंगे। क्या सारी चीजें हैं, क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या प्राइस है, सबके ऊपर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पसंद आया लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक करके मुझे बता देना कि नहीं पसंद आया। यूरोप के एक टिप्स्टर है स्टीम हैमरस्टॉफर, जो कि ऑन लीक्स के लिए लीक्स देते रहते हैं, तो उन्होंने एक लीक में बताया है इसके प्राइस के बारे में एंड स्पेसिफिकेशन में आपको बताऊंगा। दोनों स्मार्टफोन की तो नहीं, लेकिन इसमें मैं लाइट की बताऊंगा आपको। चिपसेट मैं आपको फ्यूजन का बता दूंगा, फ्यूजन का प्राइस थोड़ा ज्यादा होने वाला है मेरे ख्याल से, वो वैसे भी प्राइस में थोड़ा ज्यादा होगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या लेकर आती है। अब ये दोनों स्मार्टफोन जो है इनके प्राइसेस आ गए हैं। सबसे पहले स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे तो दोनों में आपको 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाला OLED का पैनल मिलेगा, वही जो अभी फिलहाल चल रहा है। पंच होल के साथ साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर रियर साइड पे, ड्यूअल कैमरा आएगा लाइट में। अभी तक फ्यूजन के बारे में नहीं पता, लेकिन लाइट में आपको रियर साइड पे ड्यूअल कैमरा देखने को मिलेगा। चलिए अच्छी बात है, अब देखने में अच्छा रहेगा, जैसे मोटो के फोन होते हैं वैसा ही रहेगा। चलिए एंड इसके बाद चिपसेट की बात करोगे तो वही स्नैपड्रैगन 695 5G का लाइट वाले में आने वाला है। और हाँ, फ्यूजन वाला जो है उसमें कहा गया है कि इसमें आपको डायमेंसिटी 900U करके एक चिपसेट है, वो आने वाला है। चलिए लेट्स सी, देखते हैं। लेकिन हाँ, इसमें 695 आएगा लाइट वाले में, तो 5G रहेगा एंड 6 MAh पे, तो बैटरी एफिशिएंसी आपको अच्छी खासी मिल जाएगी, 400,000 के आसपास का स्कोर आ जाता है। एंड ये चीज याद रखना है, कैमरा में 4K सपोर्ट नहीं करेगा। ये जो मोटो G82 आया ना, इसका थोड़ा सा लाइटर वर्जन होगा। अब G82 22,000 पे है, वैसे 20,000 मिलता है, तो ये समझ लो कि 20,000 के आसपास आएगा। सारे ऑफर लगा के आपको 18,000 के आसपास मिल जाएगा। चलिए अच्छी बात है, मतलब परफॉर्मेंस का सेगमेंट सही रहेगा। एंड्रॉइड 12 के ऊपर आएगा, जो कि उनका खुद का MIUX है, स्टॉक एंड्रॉइड के साथ उसके साथ आने वाला है, तो ब्लोटवेयर आपको नहीं रहेंगे। फिर इसके बाद कैमरा की बात करोगे तो ड्यूअल कैमरा है 64+8 MP का रियर साइड पे, अल्ट्रा वाइड सेंसर के साथ आएगा। एंड इसमें आपको वो सब जो है डेप्थ सेंसर और मैक्रो वो सब नहीं देखने को मिलेंगे, तो ड्यूअल सेंसर रहेगा 64+8 का। फ्रंट में आपको 32 MP का सेंसर मिलेगा, दोनों साइड से 1080 कर पाओगे, बुके पैनोरामा HDR कर लोगे, सब कुछ कर लोगे। हाँ, G82 में OIS का सपोर्ट था, इसमें आपको OIS का सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो वो भी एक थोड़ा सा कम किया गया है। सबसे बड़ी बात होगी काफी स्लीक फोन होने वाला है 6.8 mm का, तो वो एक प्लस पॉइंट इसका होगा। एंड बैटरी की बात करोगे तो इसीलिए आपको छोटी बैटरी मिलेगी, 4000 mAh वाली बैटरी रहेगी, 4020 mAh के आसपास की। देन इसके बाद इसमें आपको 30W का चार्जर मिलेगा टाइप सी के पोर्ट के साथ, तो एक डिसेंट सी छोटी बैटरी एंड डिसेंट सा फास्ट चार्जर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। ऑब्वियसली स्लीक स्मार्टफोन है, इसीलिए बैटरी आपको छोटा मिलने वाला है इसमें। चलिए सेंसर्स की बात करोगे तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक, एक्सेलेरोमीटर, एम्बेडेड लाइट सेंसर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, वो सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। एंड कार्ड स्लॉट की बात करोगे तो एक्सपांडेबल आएगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि हाइब्रिड होता है कि डेडिकेटेड, दो सिम कार्ड लगा पाओगे या फिर तीनों एक साथ। चलिए देख लेते हैं, कहा जा रहा है कि जुलाई में यूरोप में जाएगा। प्राइसिंग की बात करते हैं, जो यूरोप की प्राइसिंग आई है, कहा गया है कि दोनों में 8GB 128GB वारंटी आएगा, लाइट और फ्यूजन दोनों में। अब फ्यूजन की बात करें तो वो थोड़ा महंगा पड़ जाएगा, यूरोप में इसकी प्राइस 55,000 के आसपास होगी, तो कितना भी कम करो तो 40-40,000 तक इसका प्राइस हो सकता है। लेट्स सी किस चीज़ पे लेकर आते हैं, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो लाइट है ये यूरोप में 30,000 के आसपास की प्राइस पे जाएगा, पॉसिबली इंडिया में 20,000 की प्राइस पे आएगा। अब लेट्स सी, देखते हैं किस प्राइस पे लेकर आते हैं। अब देखने वाली बात होगी, जुलाई में जैसे मैंने कहा यूरोप में जाएगा, उसके बाद ये इंडिया में आएगा। एंड जैसे भी और इन्फॉर्मेशन पता चलते रहेंगे वैसे आपको इसके बारे में बताते रहूंगा। वेट करोगे नहीं इसका, ये बता देना कैसा लगा वीडियो, ये बता देना। पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद आया। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, उन्हें भी चेक कर सकते हो और मुझे सपोर्ट भी कर सकती हो। सपोर्ट कुछ खास नहीं करना, साइड में देखो वेक्टर में, जिसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हूँ। अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ नया के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय।